बचाओ भाई, प्लीज भाई, प्लीज बचाओ भाई, प्लीज भाई, भाई भाई भाई, हम विनती कर रहे हैं भाई, प्लीज सुनो। सुना आपने, ये चीखें बांग्लादेश की हिंदू माँ बहनों की हैं। घर के बाहर मुस्लिम दंगाई है, हिंदू परिवार घर में बंद है, महिलाएं चीख रही हैं, खुद को कट्टरपंथियों से छोड़ देने की गुहार लगा रही हैं। सामने मौत खड़ी है, घर में कैद इस हिंदू परिवार को अपनी जिंदगी और इज्जत लुटने का खौफ कैसा है इनकी चीखों से महसूस किया जा सकता है। इनकी चीखें सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये चीखें सुनकर कलेजा फट रहा है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए छाती पीटने वाले उन विपक्षी नेताओं को ये चीखें सुनाई नहीं दे रही। फिलिस्तीनियों के लिए A4 साइज के पेज पर पोस्ट करने से इन नेताओं के पास बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने का वक्त नहीं है। जबकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मची उथल फुथल के बीच दंगाई अब हिंदुओं और मंदिरों को टारगेट बना रहे हैं। ढाका में सोमवार को उपद्रवी भीड़ ने एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की और देश भर में 4 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। हिंदू बौद्ध धर्म ईसाई एकता परिषद की नेता काजोल देवनाथ ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि देश भर में कम से कम 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने के बाद बिगड़े हालातों को लेकर हिंदू समुदाय के कुछ नेता परेशान हैं। लेकिन फिलिस्तीन से लेकर यूक्रेन तक मानवता पर ज्ञान बखारने वाले भारत में विपक्षी दलों के नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर ही हो रही ज्यादती पर मौन हैं। विपक्षी नेताओं के मौन पर भाजपा के नेता अग्रेसिव मोड में सवाल पूछ रहे हैं कि अब आपकी जुबान पर ताला क्यों लग गया है, हिंदुओं के लिए आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा। बांग्लादेश में पैदा हुए हालातों के बीच भाजपा नेताओं के निशाने पर कांग्रेसी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में इस्लामिक तख्ता पलट होते ही हिंदुओं को मारा जाने लगा, घरों में घुसे प्रदर्शनकारी, अगर हम नहीं चेते तो 20-30 साल बाद ये दृश्य भारत के कई राज्यों में भी हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, धर्मांतरण पर और भी सख्त कानून चाहिए, अब हमारे पूर्व और पश्चिम में इस्लामिक आतंकवाद बिना रोक टोक रहेगा, एक और समस्या। दूसरी पोस्ट में भाजपा नेता ने लिखा कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर खुल के दर्द छलकाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा और असदुद्दीन ओवैसी अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर मौन व्रत धारण कर लेंगे, एक भी मुसलमान नेता या मौलवी अपील नहीं करेगा कि हिंदुओं को मत मारो, ये बात देश को समझना पड़ेगा। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज बांग्लादेश में जिहादी भीड़ हिंदुओं पर हमले कर रही है, ये जिहादी भीड़ हर जाति के हिंदू पर हमला करेगी बिना भेदभाव के, 1400 साल का इतिहास गवाह है कि आपकी जाति आपको जिहादी भीड़ से कभी नहीं बचा पाएगी, जब तक जिहादी आपके दरवाजे पर नहीं आते लड़ते रहिए जातियों के नाम पर। पड़ोसी बांग्लादेश में हो रही हिंसा ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। इस बीच बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु ने कहा कि कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहें। शुभेंदु ने बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कहा कि बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, रंगपुर में नगर परिषद के पार्षद हरदन नायक की हत्या कर दी गई, सिराजगंज के थाने में 13 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई जिसमें से 9 हिंदू हैं, वहीं नोखाली में हिंदुओं के घर जला दिए गए। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा कि वो तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करे। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का जिक्र करते हुए शुभेंदु ने कहा कि CAA में स्पष्ट है कि अगर किसी को धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ना पड़ता है तो हमारा देश आगे आकर इन मामलों को देखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 3 दिनों के भीतर इस स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो बांग्लादेश जमात और कट्टरपंथियों के हाथों में जा रहा है। बांग्लादेशे हिंदू कोतल चलछे, रंगपुरेर काउंसिलर नगर परिषदेर हरदन नायक ताके खून करा हुए छे, सिराजगंजे 13 जन पुलिस खून हुए छे थानार मध्य 9 जन हिंदू, नोआखालीते हिंदू बाड़ी पोड़ानो हुए छे, आमी
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে, এটা অলরেডি পার্লামেন্ট করেছে। আমি আপনাকে বলছি এই পরিস্থিতি যদি তিন দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয় জামাতের হাতে মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন, আমি তো প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। কেন্দ্রকে জানাচ্ছে না, এটা এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ম্যাটার, এটা রাজ্য সরকারকে রাজ্যপালকে জানাতে হবে। আমি দরকার হলে লিখবো জয়শঙ্করজিকে, ডাইরেক্ট করতে পারি না। তো আমি পশ্চিমবাংলার হিন্দুদেরকে অনুরোধ করব, যার যেখানে জায়গা জমি যা আছে আমাদের হিন্দু ভাইদের শরণার্থী হিসেবে রাখার জন্য আবার মানসিক প্রস্তুতি নেন। 47-71 इधर बांग्लादेश के ताजा माहौल का देखते हुए भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश जाने वाली अपने सभी ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस को बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण पहले ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब इस रद्दीकरण को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि भारत सरकार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों से हिंदुओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमला ना फिर जाओ, हमला।